कटिहार पुलिस ने बंधन बैंक कर्मी से हुए लूट कांड का किया खुलासा। दो लाइनर सहित लूट की घटना को अंजाम देने वाले सभी चार आरोपी गिरफ्तार। लूटे गए 80,000 नगद में से 30,000 नगद, एक पिस्टल, एक जिंदा कारतूस और लूटे गए अन्य सामान भी हुआ बरामद। बलिया बेलौन थाना क्षेत्र के गड़िया सिंगापुर के पास 15 जुलाई को हुए इस घटना का पूरा खुलासा करते हुए कटिहार के आरक्षी अधीक्षक ने कहा कि मोहम्मद आजम नाम के एक लाइनर इस पूरी घटना के साजिश को रचा था। पुलिस वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर घटना के अंजाम देने वाले दो लाइनर सहित सभी छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कटिहार पुलिस इसे अपनी बड़ी उपलब्धि मान रही है। थाना अंतर्गत मरिया गांव के पास से बंधन बैंक के रिलेशन ऑफिसर से 80,600 रुपये की चार अज्ञात अपराधकर्मियों द्वारा अग्नयास्त्र का भय दिखाकर लूट की गई थी। इस कांड के उद्भेदन के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बारसोई के नेतृत्व में थानाध्यक्ष बलिया बेलौन, थानाध्यक्ष बलरामपुर, थानाध्यक्ष अलमारी तथा थानाध्यक्ष तिरता के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, जिनके द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर एक लाइनर आजम अंसारी को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद से इस घटना में शामिल सभी छः अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। और घटना में लूटा हुआ 30,000 रुपया नगद, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, घटना में प्रयुक्त फायर आर्म्स देसी पिस्तौल, एक जिंदा गोली, लूटा हुआ टैब, लूटा हुआ मॉर्फो और लूटा हुआ बंधन बैंक की डायरी, कैलकुलेटर इत्यादि सभी सामग्री बरामद की गई है। और ये अच्छी बड़ी उपलब्धि है पुलिस की। इसमें लूट कांड का उद्भेदन करते हुए 100% सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी कर ली गई। लूट 80,000 रुपये की हुई थी लगभग, और चार अपराधी थे, लेकिन अनुसंधान के क्रम में ये बात प्रकाश में आई कि दो लाइनर भी थे जो मरिया गांव के ही थे और मरिया में ये बराबर कलेक्शन करते थे, साप्ताहिक कलेक्शन करते थे और वहाँ से आते थे, जिस क्रम में उन लोगों के द्वारा प्लान करके और इस घटना को अंजाम दिया गया था। बंधन बैंक कर्मी को हिदायत भी देती है पुलिस? बंधन बैंक कर्मियों को हमेशा हिदायत दी गई है, या सभी फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन हैं उनके कर्मियों को, कि कोई भी ट्रांजैक्शन या राशि कैरी करना हो तो पुलिस का सहयोग ले। संबंधित सभी थाना के थानाध्यक्षों का नंबर भी है, वो लोग भी बराबर संपर्क करते हैं, लेकिन कई बार कुछ बंधन कर्मी या कुछ और बैंक के कर्मी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के कर्मी बिना सिक्योरिटी लिए या थाना को इन्फॉर्म किए ही पैसे का ट्रांजैक्शन करते हैं। सर, गिरफ्तार अपराधी में अपराधी हाँ गिरफ्तार अपराधी में एक आजम अंसारी का अपराधिक इतिहास है, वो पूर्णिया के एक मोटरसाइकिल चोरी के कांड में जेल जा चुका है और उसे ही पैसे की कुछ आवश्यकता थी, उसका लोन लिया हुआ था और वो एक ऑटो के लिए लोन लिया था जिसकी किस्ती नहीं भर पा रहा था और उसी के सह पर ये प्लान हुआ, जिसमें कि कुल चार अपराधियों ने घटना स्थल पर घटना को अंजाम दिया, जिसमें सभी चारों गिरफ्तार कर लिए गए हैं और दो लाइनर थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया।